श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं। आर्थिक संकट से गुस्साई जनता के क्रोध से लंकाप जलती नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संकट में गोटाबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भी भाग चुके हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर धावा बोल दिया है। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे प्रदर्शनकारी खूब हड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। स्विमिंग पूल हो या किचन, बेडरूम हो या लॉन, भवन के कोने कोने में प्रदर्शनकारी इस प्रकार से मौज कर रहे हैं जैसे उन्होंने किसी जंग में कोई किला फतेह कर लिया हो। भवन के चारों तरफ अब कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों का कब्जा और जलती हुई लंका। जिस स्विमिंग पूल में कल तक श्रीलंका के वीवीआईपी डुबकियां और गोते लगाते थे, आज वही श्रीलंका की आम जनता डुबकियां लगाती नजर आ रही है। कोई उल्टा तैर रहा है तो कोई गुलाटी मार रहा है। ये नजारा तो अब देखते ही बनता है। गुस्से और विद्रोह के बीच यहाँ पूल पार्टी जैसा माहौल बना हुआ है। बेडरूम में आरामदायक बिस्तर देख लोग खूब आराम फरमा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई भी इस पल को छोड़ना नहीं चाहता है और फोन से सेल्फी लेने की तो मानो होड़ सी मची हुई है। भवन के सभी कुर्सी और सोफे भरे पड़े हैं। राष्ट्रपति भवन में जब घुस गई गए तो क्यों ना पकवान का भी स्वाद का आनंद लिया जाए। ऐसे में किचन में भी लंबी कतार लगी हुई है। अब इतने दंगे करने के बाद भूख भी तो मिटानी होगी, इसलिए दंगाई ने सोचा कि क्यों ना भूख राष्ट्रपति भवन में मिटाई जाए। तो ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये जंग भी तो सिर्फ भूख को लेकर ही छिड़ी थी। विद्रोह बुनियादी सामान के महंगे होने को लेकर ही तो हुआ था और लग्जरी लोगों के लिए सपना था। अब चाहे कुछ पल के लिए सही या गुस्से में सही या गुस्से को शांत करने लिए सही, जनता ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है।